हवा से 50,000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने का मंसूबा तैयार। कराची से हैदराबाद तक 1,046 किलोमीटर साहिली पट्टी पर विंड टरबाइन लगाई जाएगी। दुआ कर लो जी। दुआ? हाँ, इस तरह के मंसूबे हर चौथे दिन अनाउंसमेंट होती है, इनकी पूरे नहीं होते। दुआ करें अल्लाह करे पूरा हो जाए। जी जी, आप दुआ भी कर लेते हैं, आप तबसरा तो करें इस पर पहले। तबसरा ना करें, इसको जमा करें। ये जितने भी मंसूबे आज तक गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं ना, इनकी अगर बिजली जमा कर लो तो, अगर ये बन जाती तो सारी दुनिया को इस वक्त हम ही बिजली दे रहे होते। कहाँ हो रही है जी ये बिजली की पैदावार? अजीज साहब, भी उसी साहिली पट्टी पर हो रही है सिंध में, जिसका हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं। शुक्र है इस मुल्क में हवा का कोई और इस्तेमाल भी हो रहा है, वरना तो हमने सिर्फ पतंगे ही उड़ाई है हवा में, या इस मुल्क की हवा गंदी करने की कोशिश की है। एंटी करप्शन यूनिट की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर गहरी नजर, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड को भी मुतवातर चेक किया जा रहा है। वो काले रिकॉर्ड जितनी मर्जी ये काले रिकॉर्ड करेंगे, तीन चार बातें ही रिकॉर्ड होंगी। आज जल्दी जल्दी जाए भाट साहब को नान पहुंचाओ। हेलो, और भाट साहब को सिरी पावे पहुंचाए। हेलो यार, लस्सी नहीं पहुंचाई जाए भाट साहब को। एक कॉल बस डिफरेंट होगी, वो इजाद भाट साहब की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लेजेंड अदाकारा और हिदायतकारा शमीमारा के घर पर बासर अफराद के कब्जे का नोटिस ले लिया। मैडम शमीमारा की कोठी पे कब्जा हुआ? तुमने अखबारात में इसकी डिटेल नहीं पढ़ी? नहीं, डिटेल तो नहीं मैंने पढ़ी, वैसे रौड़ा पड़ा हुआ है कुछ। यह लाहौर में शमीमारा ने अपना घर किसी शख्स को किराए पे दिया था, और वो इंतहाई स्किलफुली टैक्टफुली उसने एक फ्रॉड किया, और वो पहले केयरटेकर बना है घर का, और तहरीर भी ले लिए शमीमारा से। बाद में उसने घर पर कब्जे का दावा कर दिया कि जी मालिक ही मैं हूँ। हाय 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 हाय, सारी जिंदगी देखो उन्होंने कितनी खिदमत की हुई है इधर आर्ट की, कल्चर की। वो तो बेचारी बीमार भी बहुत है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और ये तो शुक्र है हाईकोर्ट ने अब नोटिस ले लिया है, इनको तो चलो इंसाफ इंशाल्लाह मिल जाएगा, वरना यहाँ तो लाखों लोग ऐसे है जो सिर्फ दोस्तों को बता ही रहे होते हैं गुजरते हुए, ये जो घर है ना सामने, ये हमारा होता था, हमने किराए पे बस दिया, साथ ही मकान की जान निकल गई। मारवी मेमन का कहना है कि बाज़ अरकान पार्लियामेंट बिजली गैस और पानी की चोरी में मुलव्वस हैं। हाय हाय मारवी मेमन साहबा, हजूर बाज़ अरकान चोरी नहीं करते। ये जो आपने कहा है ना बाज अरकान चोरी करते हैं, ये फिकरा गलत है जनाब। हमें ये बताएं कि बाज जो नहीं चोरी करते वो कौन कौन से हैं, ताकि अवाम बकायदा जुलूस लेके जाए और उनके हाथ चूमे के आ हा 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 वाह वाह वाह, इतने मजेदार हैं आप लोग। हजूर जो बाज चोरी नहीं ना करते उनकी आप लिस्ट शाया करवा दें, जो चोरी करते हैं उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, और आपके पास टाइम नहीं है, आप इतने सारे टीवी शोज में काम करती हैं, कहीं हड़ताल हो जाए कहीं जुलूस निकले आपको वहां पहुंचना होता है। बल्कि मैंने तो ये भी सुना कि किसी के घर हांडी में लून मिर्च काट रह जाए तो उधर भी पहुंच जाते हैं। बहुत हमदर्द खातून है, मैं सही कह रहा हूँ, करती जाया करो। जो अच्छे लोग हैं उनकी अपना क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। मेरा वो ही नहीं करते क्या, क्रिटिसिज्म ही नहीं निरा करते। अगली खबर पढ़ लो। अब देखा किस तरह यूजी के मुंह से तिलक तिलक के अंग्रेजी निकलती। नेक्स्ट, ये देखो कितना तेज कह दिया मैंने। नेक्स्ट, गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर फौरी हटाने का हुक्म, लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का अस्खुद नोटिस। वारे वाह, ये तो तू तू मैं इसलिए नहीं था मेरे साथ झगड़ा किया के। चीफ जस्टिस साहब ने मेरे हक में फैसला किया और आपके अगेंस्ट। फैसला भी ऐसी जगह से आया कि मैं बोल भी नहीं सकता। बहरहाल बड़ी मेहरबानी जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये जो अवाम ने खुद ही अपने तौर पे सड़कों को फोड़े फिंसियां निकाली हुई थी, उसका अपने इलाज काज खुद नोटिस लिया, बड़ी मेहरबानी हजूर। आगे क्या है? व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर बराक ओबामा खास तौर पर भारतीयों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के ख्वाहां हैं। यार ये इस बंदे की क्या मात मारी गई हुई है, मेरा ख्याल है इसकी अकल भी कानों की तरफ से निकल गई हुई है। मशल कहती रही है जितना जितना तुम्हारा बड़ा कान है कानों में इंटे रखा करो, अकल निकल जाएगी तुम्हारी।
और दिवाली में तो छुरलियां पटाखे ही बहुत चलते हैं, कितना बुरा लगेगा यार पुंजे बैठ के अबामा बोतल में छुरली ला के चला रहा हो, पास सेक्रेटरी बेचारा तरले कर रहा होगा, यू आर एक्सीलेंसी आप क्या कर रहे हैं, रह जा अपनी एक्सीलेंसी, तुम मुझे अमरीकी नहीं लगते, अमरूद की खुशबू का तो स्वाद ही और चलाने दो मुझे, पा जुनैद है ये अमरीका बहुत खोचल आदमी, असले का कारोबार तो ये पूरी दुनिया पे करता है, मेरा ख्याल है ये ओबामा देखने आ रहा है कि ये बच्चों के असले का कारोबार कैसा है, इधर कितनी खपत हो सकती है, यार इसने तो उधर से भी बहुत पैसे कमा लेने, अल्लाह करे ये चिचड़ चला रहा हो तो एक चिचड़ इसकी नासों में घुसे, ऊपर से मशाल इसको कुट कुट के कार लेके दे, चल उतरिया वो तो थोड़ा सड़े हम भी जमीन आसा सा दिवाली मनाउनी है, दिवाली मनाउनी है, शेव पता नहीं किवें मनाउंदा है, दिवाली मनाउण दा चा चढ़े है, जदों शेव मनाउण जांदा है नाई दा हासा नहीं रुकदा, मुंह फड़दा ही हसन लग पैंदा, तीन चार हरी उन्हें क्या कहा बामा साहब है शेव ना कराया करो कंध नाली मूर रगड़ लिया करो। जदीद तहकीक के मुताबिक औरतों और बंदरों में दिल के अमराज कम होते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, यार कैसी अच्छी तहकीक है ये देखो। और जीजी साहब आप तो हमेशा तहकीक के खिलाफ बोलते हैं। होती है तहकीकें गलत, मगर ये पहली मेरा ख्याल है तहकीक है जो तहकीकी अमल से गुजर के तहकीक हुई है। बाकी क्या क्या आया कि बंदरों और बंदरियों के आते ओहो, बंदरों और औरतों में बंदरों और औरतों में काफी आते मुश्तरक पाई गई हैं, ये तो इन्होंने आज कहा है ना। मैं तो ये क्या लिखा है कि दोनों की आते मुश्तरक है। नहीं नहीं, ये तो इन्होंने सिर्फ ये बताया ना कि हार्ट की बीमारियां दोनों में कम होती है, और भी इनकी काफी आते मुश्तरक होती है, औरतें भी घरूंडे मारती है बंदर भी घरूंडे मारते, दोनों की जुए निकालने की आदत भी मुश्तरक होती, बांदर बांदरी की अगर लड़ाई हो जाए तो बांदरी दूर जाके बैठ जाती, बांदर जितना मर्जी मनाए वो आगे से ऐसी करती रहती, औरतें भी जब रोस जाती हैं उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है, बांदर बेचारा जब कलाबाजियां मार के सौरे सूर्य जाके जब दिखाता है उल्ट बाजियां लाके वेला होता है तो बांदरी उसको जरूर झाड़ती है किथे मारा फिरेंगे, औरतें भी ऐसी करती है, इतनी मेहनत करके जब तुम घर जाते हो अपनी बात करो, नकल उतारने की आदत भी दोनों की मुश्तरक है, बांदरियां भी नकल उतारती हैं, कोई हरकत करो नकल उतारती हैं, औरतें भी एक दूसरे के फैशन की नकल उतारती हैं, और दूसरी बात यह है कि औरतों को कहां हार्ट की बीमारियां लगनी है, उनकी वजह से तो मर्दों को लगती हैं, वो इजी रहती हैं, मर्द बेचारा सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के बीमारियां लगवा लेते हैं अपने आप, ये तुम देख लो जनाजा कोई भी जा रहा हो तुम पूछोगे को मर्द कहीं ऋषि साहब बहुत हो गए अब से मर गया अल्लाह बख्श हाजी सिद्दीक बहुत हो गया, कभी किसी ने कहा जी मुमताज बेगम फौत हो गई है नजमा मर गई बड़ी अच्छी, ये सिर्फ रोने आती हैं ये खुद नहीं मरती, और इस किस्म का झूठ बोल रही होती हैं जनाजे पे बैठ के, हाय मुझे कहता था कट्ठे जिएंगे कट्ठे मरेंगे, बंदा पूछे रोती जा रही है उसकी बात पे अमल भी करो, मैंने तो एक ऐसी फप्पे कुटल औरत भी देखी है कि जो खामद की जनाजे पे रो रही है मुझे क्यों नहीं साथ ले गए, हाय अब मैंने जी के क्या करना है, हाय अब मेरा कौन रह गया, मैं तो कल ही रह गई, यार दूसरे दिन उसने अखबार में इश्तिहार दिया हुआ था मेरे साथ जिन लोगों ने अफसोस किया है मैं उनकी बड़ी मशकूर हूँ, उनकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, मनजान मुमताज बेगम रंग गोरा उम्र 28 साल कद 5'9" एड्रेस 718B अमीनपुरा। अभी सब देख रहे थे इस पे हाल, खुश रहे खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज। नीचे ब्रैकेटों में लिखा हुआ था अगर किसी को मेरा अफसोस पसंद आया तो दोबारा अफसोस के लिए